ठीक है, तो अब हम करते हैं इलेक्टिव जो ट्रेकियोस्टोमी। लेकिन इलेक्टिव ट्रेकियोस्टोमी करने से पहले एक एमसीक्यू में आपको बताता हूँ, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस डू नॉट अकर फॉलोइंग ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकिया कहता है कि ट्रेकियोस्टोमी के बाद कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो नहीं होते। एल्वुलर वेंटिलेशन इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है, डेफिनेटली एल्वुलर वेंटिलेशन इज इंक्रीज्ड, ये तो अकर होता है, दिस इज़ ट्रू। अच्छा, उसके बाद ये है कि एल्वुलर डेड स्पेस इज डिक्रीज बाय 50%, ये भी होता है, सही है, क्योंकि ये मौत है और यहाँ पे आके ये लंग्स हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ से क्रॉस किया है, ट्रेकियोस्टोमी यहाँ लगाई है, डेफिनेटली डेड स्पेस ये सारी की सारी ख़त्म हो गई ना, इसलिए एल्वियोलर डेड स्पेस इज ऑल्सो डिक्रीज बाई 50%। इसी तरह वर्क ऑफ ब्रीथिंग इज इंक्रीज, ये बात गलत है, क्योंकि देखें एक हवा यहाँ से यहाँ लाने में ज़्यादा वर्क लगेगा या यहाँ से यहाँ लाने में, यहाँ से यहाँ पे लाने में ना, तो यहाँ जब हम ट्रेकियोस्टोमी करते हैं तो वर्क ऑफ ब्रीथिंग डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता, तो ये पॉइंट जो है ना ये गलत है। यहाँ पे अगर डिक्रीज होता तो ये भी सही होता। सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स आर डिक्रीज इन द ट्रेकिया, ये भी सही बात है, क्योंकि सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स आर लॉस्ट फॉलोइंग ट्रेकियोस्टमी, ठीक है। फिर स्प्लिंडिंग ऑफ द लेरिंग्स की, ये भी सही है, स्प्लिंडिंग ऑफ द लेरिंग्स होती है जिसकी वजह से स्वेलोइंग डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, याद रखें, इसीलिए कभी कभी जो है एनजी फीड नहीं भी देते ट्रेकियोस्टमी के पेशेंट्स में, ठीक है ना, याद रखें। वर्क ऑफ ब्रीदिंग इज़ डिक्रीज्ड, ठीक है, विच इज़ वन रीज़न, इट इज़ नॉट इंक्रीज, इट इज़ डिक्रीज्ड, ठीक है, विच इज़ वन रीज़न, इट इज़ पॉपुलर ऑप्शन फॉर वीनिंग वेंटिलेटेड पेशेंट्स। यानी कि ये इसका मतलब ये है कि कोई भी वेंटिलेटेड पेशेंट्स हो ना, उसको वीन करने के लिए, वेंटिलेटर से निकालने के लिए हम ट्रेकियोस्टोमी कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा याद रखें कि जब ह्यूमिडिफाई करते हैं ना हम एयर को, तो जो विस्कोसिटी जो होती है ना म्यूकस मेम्ब्रेन्स की, वो जो है कम हो जाती है, वो ज़्यादा थिक नहीं होता, वो थिन हो जाता है ड्यूरिंग ह्यूमिडिफिकेशन, इसीलिए ह्यूमिडिफिकेशन इज़ वन ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी केयर पॉइंट्स, याद रखें, ट्रेकियोस्टोमी की केयर करते हैं इस तरह हम, ठीक है। तो अब इलेक्टिव ट्रेकियोस्टोमी देखें, इलेक्टिव ट्रेकियोस्टोमी के फ़ायदे क्या क्या हैं, देखें, अपर एयर वे जो है ना अगर ब्लॉक नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसीलिए तो हम इसको इलेक्टिव कहते हैं ना, इसमें अपर एयर वे ब्लॉक नहीं होती, जिस तरह इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी में पेशेंट लाए जाते हैं, इसी तरह इन पेशेंट्स में अपर एयर वे ब्लॉक नहीं होती, जिसकी वजह से हम सुकून से क्या करते हैं, हम सुकून से केयरफुल डायसेक्शन करते हैं, तो केयरफुल डायसेक्शन अच्छी होती है इसमें डायसेक्शन, और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब प्रॉपरली प्लेस कर सकते हैं बआसानी, ठीक है ना, और इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं, मॉर्बिडिटी भी कम होती है, ये एडवांटेजेस हैं इलेक्टिव ट्रेकियोस्टोमी के, ठीक है। होता क्या है, एनेस्थीसिया देते हैं हम, ईटीटी पास करते हैं, ठीक है, और फिर पोजीशन को, पेशेंट की पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखें, चिल्ड्रन में आपने ओवर एक्सटेंशन ऑफ द नेक नहीं करनी, वरना क्या होगा, वरना आप C5 और C6 में घुस जाएंगे और ढूंढते रह जाएंगे, और ऐसे केस में फिर न्यूमोथोरेक्स भी हो सकता है ज़्यादा नीचे आने से, ठीक है ना, क्यों न्यूमोथोरक्स हो सकता है, आपको पता है ना, प्लू जो जो प्लूरा है, ठीक है ना, वो ऊपर भी आती है नेक की तरफ, ठीक है, ऑन इधर साइड ऑफ द ट्रेकिया, अगर ये गलती से गई तो फिर न्यूमोथोरक्स भी हो सकता है, ठीक है। अब देखें, अब फिर आपने पेशेंट की पोजीशन बनाने के बाद आपने ट्रांसवर्स इंसिजन देना है। ट्रेकियल इस्थमस इज डिवाइडेड, ठीक है, केयरफुली एंड ओवरसीन, ठीक है, टेंशन सुचर्स प्लेस्ड इधर साइड ऑफ द ट्रेकियल फेनेस्ट्रेशन इन द चिल्ड्रन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक जॉक जॉक फ्लेप, जॉक एक स्वीडन का साइंटिस्ट था, 1918 में पैदा हुआ था, 2009 में इसकी डेथ हुई है जॉक की, ठीक है ना, तो इसको वैसे जॉक पढ़ते हैं हम, इसने ये फ्लेप फर्स्ट टाइम दरियाफ्त किया था, ठीक है। अब इस फ्लेप को हम रेज करते हैं, ठीक है, ये एक ऐसा फ्लेप होता है, ये देखें ट्रेकिया में इस तरह करके हम काटते हैं,
ये देखो ट्रांसवर्स इंसिजन, फिर टू लेटरल इंसिजन, फिर इसको बिल्कुल अलग हो जाता है। इसका एडवांटेज क्या है, इफ़ टी ट्यूब इज डिस्प्लेस्ड री इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इज वेरी ईजी विथ इफ़ बिजॉक फ्लेव इज रेस, यानी कि अगर तो इसकी आप बिजॉक फ्लेव जो होता है ना री इंस्टॉलेशन ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को आसान बनाता है, ठीक है ना। ठीक है, ये देखें ये बिजॉक फ्लैप है, यहाँ से इस तरह काटा है, फिर दो लेटरल इंसिजन्स दिए हमने इसको, फिर निकाल के इसकी देखें इस पे इन्होंने चेस्ट वॉल के साथ टाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये बिजॉक फ्लैप है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो हम ये लेटरल इंसिजन दिया और उसके बाद क्या किया, ये यहाँ पर हमने सॉरी ये मिड लाइन ट्रांसवर्स इंसिजन दिया, फिर ये देखें यहाँ पे हमने लेटरल हॉरिजॉन्टल इंसिजन दिए। याद रखें ये इंसिजन्स आप ब्लेड इधर से पकड़ के इस तरफ लाएंगे, इधर से पकड़ के उस तरफ नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर इधर से उस तरफ लाते हैं ना तो क्या होता है पता है, इधर से उस तरफ लाने में ख़तरा ये है कि जो C1 है ना ट्रेकियल रिंग, फर्स्ट ट्रेकियल रिंग डैमेज होने का ख़तरा होता है, तो इसलिए कभी भी आपने ब्लेड या स्कैपर ऊपर से नीचे तरफ लाना है। ये देखें यहाँ भी इन्होंने एंटीरियर वॉल के साथ टाई किया हुआ है इस बिजॉक फ्लैप को, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा ये देखें यहाँ पे इन्होंने मार्क किया हुआ है कि पोजीशन ऑफ द स्किन इंसिजन इन एन इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी, ठीक है, इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी देखें यहाँ पे ट्रांसवर्स इंसिजन प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर फ्लैप दिया, ठीक है, फ्लैप देने के बाद कैसे करेंगे इंसिजन एंड ट्रेकिया करेंगे, ये इंसिजन जो है ना फर्स्ट फ्लैप के लिए, ये वाला इंसिजन ट्रांसवर्स वाला फर्स्ट एंड सेकंड रिंग के बीच में होना चाहिए या सेकंड एंड थर्ड रिंग के बीच में होना चाहिए, याद रखो मैं अगेन बता रहा हूँ, ये देखें यानी कि ये जो है ये फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेकियल रिंग के बीच में या सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग के बीच में होना चाहिए, तो इन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में इस तरह ट्रांसवर्स इंसिजन दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे भी इस तरह इसी ये इस इंसिजन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने सेकंड एंड थर्ड के बीच में दिया हुआ है इंसिजन, ठीक है। अच्छा, तो याद रखें कि ये ट्रांसवर्स है, ठीक है, ये इंसिजन, ठीक है, और ये देखें ये इस तरह ट्रांसवर्स है ना, फिर हम लेटरल इंसिजन भी देंगे, मैंने आपको बताया लेटरल इंसिजन ऊपर से नीचे आएंगे ऐसे करके, ठीक है। याद रखो डैमेज टू द फर्स्ट रिंग, अगेन बता रहा हूँ कि ये आपने किसी भी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, ठीक है, इसको नहीं कराना फर्स्ट रिंग को डैमेज, कॉज सब ग्लोटिक स्टिनोसिस हो जाती है इससे, अगर फर्स्ट रिंग डैमेज होता है ना इससे सब ग्लोटिक स्टिनोसिस हो जाती है। यहाँ पे देखें ये फर्स्ट रिंग है, इन्होंने थोड़ा सा नीचे करके इंसिजन दिया है, ये देखो डैमेज नहीं है, इंटैक्ट ही है, इसको आपने डैमेज नहीं करना फर्स्ट रिंग को, ठीक है। अच्छा, ये वरना क्या होगा सब ग्लोटिक स्टेनोसिस, सो अवॉइड इट्स डैमेज, ठीक है ना, एट ऑल कॉस्ट लिखा हुआ है बुक में क्या लिखा हुआ है, एट ऑल कॉस्ट फर्स्ट रिंग का डैमेज को अवॉइड करें, ठीक है। फिर आपके जहन में आता है बुक में तो ये फर्स्ट रिंग मेंशन है, तो इसका आंसर ये तो ये ट्रांसवर्स इंसिजन है ना, देखो एक रिंग सेकंड रिंग थर्ड रिंग, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने तो ट्रांसवर्स इंसिजन देना है, चाहे हम फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में दे दें जैसे यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड रिंग्स के बीच में, या सेकेंड एंड थर्ड के बीच में दे दें, बहुत सूरत में देखो फर्स्ट रिंग को हमने डैमेज नहीं करना, तो इसका ये देखें इंसिजन अगर डैमेज नहीं करेगा, बाहर इसको छोड़ दें, बार मैंने क्या लिखा था कि डैमेज नहीं करेगा इंसिजन, तो बुक में लिखा है कि ये बुक में तो फर्स्ट मेंशन है, वही वाला आंसर है, देखिए फर्स्ट मेंशन है बुक में, लेकिन इसको फर्स्ट मेंशन तो है लेकिन हमने इसका फर्स्ट इस तरह थोड़ी काटना है, हमने तो इस तरह ट्रांसवर्स देना है, ठीक है ना, तो जो फर्स्ट है वो मिड लाइन ट्रांसवर्स में इंजरी हो सकती है, ठीक है ना। तो लेटरल इंसिजन दे दिया, अब देखें अब क्या करेंगे, ट्रांसवर्स इंसिजन दे दिया, अब देखें हम टू लेटरल इंसिजन देंगे, ठीक है, टू लेटरल इंसिजन आर मेड इन कॉर्डल डायरेक्शन, कॉर्डल डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि वही वाली बात है, एक लेटरल ट्रांसवर्स इंसिजन तो दे दिया आपने, दो ऊपर से नीचे कॉर्डल डायरेक्शन, ऊपर से नीचे कॉर्डल डायरेक्शन में आपने टू लेटरल इंसिजन दे सकते हैं, और फिर यूँ आपका क्या बन जाएगा, आपका बिजॉक फ्लैप बन जाएगा, ठीक है ना। एक बार ये बिजॉक फ्लैप बन गया, ये देखें इसको अब दो ऑप्शन से आ गया आपके पास, या तो इसको जो स्टे स्यूचर्स लगाए हैं उसके साथ चेस्ट वॉल के साथ बांध लो, ठीक है, चेस्ट वॉल के साथ बांध लो, या स्यूचर के फ्री एज को स्यूचर टू द फ्री एज ऑफ द फ्लैप,
ठीक है, ये लिखा हुआ है। हाँ ठीक है ना। अब इस फ्लैप के दो ऑप्शन से मैं दोबारा बताता हूँ कि जो स्टेज स्विचर है उसके साथ उसको, उसके जो फ्लैप जॉक फ्लैप है उसको चेस्ट वॉल के साथ बांध दो, या फिर स्विचर द फ्री एज ऑफ द फ्लैप, ये जो फ्री एज ऑफ द फ्लैप है इसको लाके ऐसे करके जो नीचे स्किन इंसिजन है ना, स्किन इंसिजन का निचला निचला वाला हिस्सा उसके साथ बांध लो, कह रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका जो हो गया ट्रांसवर्स, जो ट्रांसवर्स कह रहा हूँ इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी का प्रोसेस। ठीक है, अब देखें बच्चों में जो है, बच्चों में वर्टिकल इंसिजन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग देते हैं हम। ठीक है, वर्टिकल इंसिजन देते हैं बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग, नो ट्रेकियल टिश्यू इज रिमूव्ड हियर। ठीक है, प्रायर टू द इंसिजन ऑफ द ट्रेकिया वर्टिकल स्टेज सुचर्स आर प्लेस्ड। ठीक है, वर्टिकल स्टेज सुचर्स आर प्लेस्ड, कहाँ वर्टिकल सुचर्स प्लेस करते हैं, लेटरल टू द मिड लाइन। ठीक है, थ्रू ट्रेकियल रिंग्स ये प्लेस करते हैं, ये बच्चों की गेम बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, उसके बाद दिस हेल्प इन री, इसका क्या फ़ायदा होता है, दिस हेल्प इन री इंसर्शन ऑफ द न्यू ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इफ़ डिसप्लेसेस। अच्छा, सम सर्जन्स क्या करते हैं, दे टाई द स्किन फ्लैप टू ट्रेकिया फॉर एडिशनल सेफ्टी। ठीक है, याद रखो मिड लाइन के साथ स्टिक करो अपने आप को, मिड लाइन के साथ स्टिक करो, क्योंकि अगर आप मिड लाइन में से दूर हटोगे, ऐसे मिड लाइन से दूर हटोगे तो न्यूमोथोरक्स करा सकते हो पेशेंट को। ठीक है, न्यूमोथोरक्स करा सकते हो, क्योंकि सर्वाइकल प्लूरा का जो क्यूपुला होता है ना, सर्वाइकल प्लूरा का जो क्यूपुला होता है वो नेक में आएगा, आता हुआ होता है। ठीक है, एनाटॉमी, नॉर्मल एनाटॉमी उसकी ऐसी होती है कि वो सर्वाइकल प्लूरा का जो क्यूपुला होता है उसका सर जो होता है वो नेक की तरफ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ट्रेकिया ये मौजूद होता है। तो आप अगर आप मिड लाइन से थोड़ा सा भी दूर उधर गए तो हो सकता है उसको पंक्चर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है आपने। ठीक है, थोड़ा ऊपर जाएंगे, देखें प्रायर टू द इंसिजन ऑफ द ट्रेकिया, देखो ये ट्रेकिया है तो ट्रेकिया में इंसिजन से पहले वर्टिकल स्टेज स्विचर्स, ये देखो यहाँ पे भी स्टेज स्विचर, यहाँ पे भी स्टेज स्विचर्स हम लगाते हैं। ठीक है ना, बच्चों में। ठीक है, कहाँ, लेटरल टू द मिड लाइन, लेटरल टू द मिड लाइन ये हमने लगाए हुए हैं। ठीक है, थ्रू ट्रेकियल रिंग, वही वाली बात है, ट्रेकियल रिंग्स के थ्रू इंसिजन लगाते हैं। दिस हेल्प इन री इंसर्शन ऑफ द न्यू ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, बस इनको खींच के, अगर बाद में अगर ये ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब खुल भी जाए तो इनको खींच के दोबारा हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सी बात कही है बस, इधर इतना ज़्यादा खर्च नहीं मारी हुई। ठीक है,